हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिस कुकिंग। आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी स्टफिंग पेसा रट्टू, या तो फिर पनीर भुर्जी वाला मूंग दाल का डोसा। तो उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, एक कप मूंग दाल को 3 घंटे भिगो के मैंने ले लिया है, पालक, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, प्याज, कैप्सिकम, गरम मसाला, पनीर, टमाटर। सबसे पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करने रख दूंगी। ऑयल गरम हो चुका है तो अब मैं इसमें प्याज और कैप्सिकम डाल दूंगी और नमक और हल्दी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके कुक होने देंगे। प्याज और कैप्सिकम अच्छे से कुक हो चुके हैं तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्सर को इसको भी हम कुक कर लेंगे। टमाटर भी अच्छे से कुक हो चुके हैं तो अब मैं इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स करके मसालों को 1 मिनट के लिए हम सौते होने देंगे। मसाले भी अच्छे से सौते हो चुके हैं तो अब मैं गैस को बंद करके उसमें पनीर ऐड कर लूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर भुर्जी का स्टफिंग हमारा रेडी हो चुका है। बैटर बनाने के लिए एक मिक्सर जार में हम मूंग दाल, पालक, हरी मिर्च, आप चाहे तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। अब हम इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। मूंग दाल और पालक को ग्राइंड करके मैंने बैटर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए और एकदम स्मूथ पेस्ट होनी चाहिए। और इसमें हम नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तवे को हम गरम करने रख देते हैं। तवा गरम हो जाने के बाद में इसको हम थोड़ा सा तेल लगा के एक टिश्यू पेपर या कपड़े से इसको अच्छे से फैला लेंगे। और अब हम बैटर का डोसा बनाएंगे। और अब हम इस पे थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लेंगे और इसको कुक होने देंगे। डोसा हमारा कुक हो चुका है तो अब हम इसमें पनीर भुर्जी का जो स्टफिंग हमने बनाया था वो रख लेंगे। और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और निकाल लेंगे। पनीर भुर्जी स्टफिंग वाला मूंग दाल का डोसा या पनीर भुर्जी पेसा रट्टू रेडी हो चुका है। बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसके वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।